हेलो हेलो तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो प्रतापगढ़ जिले से आते हैं, बहुत दूर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्र भील और आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। आज के इस भूला वालोरिया की पावन तहे दिल से आभार शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। इसी तरह का जो कार्यक्रम है, इससे भी दुगुना कार्यक्रम 4 तारीख को जो हो रहा है, आयोजित होने वाला है, उसको तन मन धन लगा करके हम सबको मेहनत करके ऐतिहासिक से महा ऐतिहासिक बनाने की कोशिश जारी रखनी है। इन्हें शब्दों के साथ में जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। बार बार बोलते होंगे आदिवासी भील प्रदेश, ये धीरे धीरे चिंतन शिविरों में लगातार हम रहेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी। आभार जोहार धन्यवाद, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज हमारे भूला वालोरिया की भीलों की शहादत भूमि को मेरा नमन जोहार। और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे समाज के सभी अग्रणी मार्गदर्शनकर्ता और आप सभी हमारे भारत देश के अणी दूल मुलना धनी, आप सबको देश के मूल मालिकों को भी मेरा जय जोहार। आज हमारे पुरखों के इस शहादत भूमि पर सौवीं वर्षगांठ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को शानदार और ऐतिहासिक बनाया, इसके लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी हमारा खूब खूब धन्यवाद जोहार। मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे डूंगरपुर से चलकर पूरे देश के आदिवासियों को एकीकरण करने का काम करने वाले कई विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो बहुत ही अच्छी और शानदार बातें आपको आज बता के जाएंगे, तो उन बातों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ग्रहण करना होगा और उन बातों का प्रचार प्रचार करना होगा। इस बीच में एक बात बता के जाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो सिरोही की भूमि है, सिरोही की जो भूमि है वो आदिवासियों की भूमि पर खड़ा हुआ है, हमारा उदयपुर जो है वो भी आदिवासियों की भूमि पर खड़ा हुआ है, डूंगरपुर की भूमि है वो भी आदिवासियों की भूमि पर खड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार प्रतापगढ़ की जो धरती है, प्रतापगढ़ की भूमि है वो भी आदिवासियों की जमीन पर खड़ा हुआ है, इसी प्रकार आपका जो चित्तौड़गढ़ है वो भी आदिवासियों की भूमि पर खड़ा हुआ है, आपका राजसमंद आदिवासियों की भूमि पर खड़ा हुआ है, आपका भीलवाड़ा भी आदिवासियों की भूमि पर खड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान भी आदिवासियों की भूमि पर बसा हुआ है और आपका गुजरात भी आदिवासियों की भूमि पर बसा हुआ है और आपका महाराष्ट्र भी आदिवासियों की भूमि पर बसा हुआ है और उसी प्रकार आपका मध्य प्रदेश भी आदिवासियों की जमीन पर बसा हुआ है। तो हम लोग ये उल्लंघन करते हुए बताना चाहते हैं कि हम लोगों को भी हमारा बिलों का बिल प्रदेश चाहिए और बिल प्रदेश के लिए हम लोगों को मिलकर के लड़ना होगा। इस मंच के माध्यम से हमारे बीच में मेरे से पहले यहाँ के प्रधान साहब थे, उन्होंने एक बात बताई थी, शिक्षित बनो शिक्षा अच्छी हासिल करनी होगी, तो इस पे भी मैं एक बात बता के जाना चाहूंगा कि हम लोगों को शिक्षित बनना है लेकिन हम लोगों को सही शिक्षा हासिल करनी होगी, सामाजिक शिक्षा को भी हासिल करनी होगी और सामाजिक शिक्षा हासिल करने के बाद आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, शाम को बात करूंगा। शिक्षा होगी गाइज, आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल और मैं हूँ प्रकाश चंद्र भील। दोस्तों आप सभी का हमारे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने मित्रों को एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद। इस तरीके से राजनीतिक गुलामी के अंदर जय आदिवासी जा रहे, उसी प्रकार जय बिल प्रदेश के अंदर हम लोग घसीटे जा रहे, तो हम लोगों को राजनीतिक विकल्प खड़ा करना होगा, वो धार्मिक विकल्प भी हम लोगों को खड़ा करना होगा, और हमारे समाज को आजादी दिलाने का काम हम लोगों को सबको करना होगा। मैं एक बात और बता के जाना चाहता हूँ कि हम लोगों को बहुत मजबूती के साथ जिस प्रकार से हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाइयां लड़े थे, लेकिन हम लोगों को अच्छा जानकार बनकर अच्छा बोलना सीखते हुए हमारे समाज को जागृत करने का बिड़ाना उठाना होगा, और जागृत करते हुए हम लोगों को आजादी हासिल करनी होगी। हम लोग आज की तारीख में राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से और हमारी सांस्कृतिक रूप से लगातार तरीके से गुलाम होते जा रहे, तो उससे हम लोगों को बाहर निकालने का रास्ता हम लोगों को खोजना होगा। निश्चित तौर पर आने वाला समय जो होगा, आने वाला जो भविष्य होगा, वो शानदार होगा, सुनहरा होगा। आज की तारीख में हमारे पूरे इलाके के अंदर जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से डिलिस्टिंग करने की एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, तो उसको हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा। जनजाति का जो शब्द है वो भारत देश का संविधान लागू हुआ 1950 के बाद अस्तित्व में आता है, लेकिन आदिवासियों का जो शब्द है वो लाखों साल पुराना है, तो हम लोगों को आदिवासियत के आधार पर समझना होगा। और आज की तारीख में अगर हम लोग उनके साथ काम करते हैं तो धीरे धीरे आदिवासी अनेकों प्रकार के, कोई लोग हिंदू बने हुए, कोई मुस्लिम बने हुए, कोई ईसाई बने हुए, कोई सिख बने हुए, तो हम सब अलग अलग बटे हुए, तो उसमें से अगर लिस्टिंग का काम होता है तो आदिवासी को खत्म कर दिया जाएगा, और वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत बड़ी योजना के साथ षड्यंत्र पूर्वक तरीके से आदिवासियों को खत्म करने का। हेलो एंड वेलकम मित्रों, मैं हूं प्रकाश चंद्र भील और आप देख रहे हैं आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। आप हमारे चैनल पर बने रहे, आपको हमारे आदिवासी भील शहीद स्थल का हम वीडियो दिखा रहे हैं, और यहाँ काफी सारे हमारे आदिवासी परिवार के भाई बंधु आए हुए हैं, और इस ऐतिहासिक महोत्सव में आपको दिखाते हैं कौन कौन है, तो हमारे इस लाइव पर बने रहे, सबका स्पीच आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और चलते हैं हम स्टेज की तरफ और दिखाते हैं हम आपको भव्य इस कार्यक्रम का समारोह। काम करना होगा, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब जोहार। जगदीश भाई पांडोर जो फलासा से यहाँ। हेलो हेलो, तो अंत में मैं मांगीलाल जी, निनावा साहब, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक जो प्रतापगढ़ जिले से आते हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो इनको भी आप सुनकर जाए। हाँ, आज के इस भूला वालोरिया की पावन तहे दिल से आभार शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, इसी तरह का जो कार्यक्रम है इससे भी दुगुना कार्यक्रम 4 तारीख को जो हो रहा है, आयोजित होने वाला है, उसको तन मन धन लगा करके हम सबको मेहनत करके ऐतिहासिक से मह ऐतिहासिक बनाने की कोशिश जारी रखनी है। इन्हें शब्दों के साथ में जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। बार बार बोलते होंगे आदिवासी भील प्रदेश, ये धीरे धीरे चिंतन शिविरों में लगातार हम रहेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी। आभार जोहार धन्यवाद, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।